जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे क्यूटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ाल में T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के अंदर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 9:30 बजे स्टार्ट होगा। तब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 11 जून को क्यूटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मैच हुआ था। और इस साल इस वेन्यू के ऊपर ना 7 T20 के मैचेस खेले जा चुके हैं। तो उस मैचेस के अंदर अपन ने क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे मैं स्टैट्स जरूर समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको ध्यान देना दोस्तों, जो पिच है ना शेख जायद स्टेडियम की, ये दोस्तों पिच स्लो है, यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। प्लस दोस्तों यहाँ पे कटर बॉलर्स होते हैं ना जो गति परिवर्तन करते हैं, जो दोस्तों उंगलियाँ फेरते हैं बॉल के ऊपर, उनको यहाँ पे मदद मिलने वाली है। वहीं दोस्तों बैट्समैन की बात करते हैं, जो बैट्समैन दोस्तों टेक्निक से खेलते हैं बॉल को, दोस्तों टाइम करते हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलेगी एज कम्पेयर टू हार्ड हिटर बैट्समैन। इस वेन्यू के ऊपर देखो, दोनों टीम्स ने ना आपस के अंदर एक मैच खेला था और ये मैच दोस्तों क्यूटा ग्लैडिएटर्स ने जीता था। अब सेपरेटली बात करते हैं तो शेख जायद स्टेडियम के ऊपर ना आज तक क्यूटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैचेस खेले और दोस्तों 2 मैचेस जीते हैं। वहीं पेशावर ज़ालमी ने ना इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस खेले और दोस्तों मात्र 1 मैच जीता है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर जिस टीम ने पहले बैटिंग करा ना, यहाँ पे 17 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ लास्ट 36 गेम्स। एवरेज स्कोर 152-180 आपको बनता दिखेगा। अब ध्यान देना है लास्ट 24 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों पेसर्स ने, मतलब तेज गेंदबाजों ने 181 विकेट्स निकाले हैं। वहीं दोस्तों स्पिनर्स ने ना यहाँ पर 83 विकेट निकाले। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों मोटा मोटा यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी और फिर दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो लास्ट मैच हुआ दोस्तों 11 जून को क्यूटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उस मैच के अंदर दोस्तों 7 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाला था और दोस्तों मात्र 1 विकेट यहाँ पे स्पिनर ने निकाला था, जो शादाब खान थे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आपको लाइक करके स्टार्ट करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ना अपना 101% देने की कोशिश करूंगा। आपको दोस्तों वैरायटी ऑफ स्टैट्स दूंगा दोस्तों, यहाँ पर आपको हेड टू हेड स्टैट्स मिलेंगे, वेन्यू स्टैट्स मिलेंगे दोस्तों, प्लेयर बैटल देखने को मिलेगी दोस्तों, जो आपको बहुत कम देखने को मिलती है कि कौन सा प्लेयर दोस्तों किसके सामने कितनी बार आउट हुआ है। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मैच स्टैट्स दूंगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है, अंत तक देखना है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी फाइनल टीम चाहिए, फर्दर अपडेट्स चाहिए, तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ना सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, जिसके ऊपर दोस्तों पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हो। टॉस के बाद कोई महत्वपूर्ण अपडेट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों क्यूटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ये इनके ओवरसीज प्लेयर है जैक विदरलैंड, एंडर रसल, जाहिर खान, जैक विल्ड, मतलब दोस्तों पेशेवर जालमी के ओवरसीज प्लेयर है फिडल एडवर्ड्स, फैबियन एलन, वकार सलाम अखेल और रोवन पॉवेल। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, जब दोनों टीमें आपस में खेलती तब क्या होता है। दोनों टीम्स ने आपस में 17 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड मैचेस के अंदर, और आपको पता है क्यूटा ग्लैडिएटर्स भी दोस्तों 8 बार जीती है और पेशावर ज़ालमी दोस्तों 8 बार जीती है। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो लास्ट 3 हेड टू हेड मैचेस हुए थे ना, वो दोस्तों पेशावर ज़ालमी ने जीते थे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइनअप्स की, तो आपको पता रहेगा PSL के अंदर रूल है कि आपके स्क्वाड के अंदर ना जो 15 प्लेयर का स्क्वाड होता है ना, उसके अंदर कम से कम 2 प्लेयर तो दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर होने चाहिए, प्लस दोस्तों 1 प्लेयर तो आपका हर मैच के अंदर खेलना चाहिए जो इमर्जिंग प्लेयर हो, जिसकी एज दोस्तों 25 से थोड़ी कम हो, प्लस वो पाकिस्तान के लिए आज तक कभी नहीं खेला, उसको बोलते हैं दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर। अब देखो यहाँ पे क्यूटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, तो इस सीजन के अंदर दोस्तों पहला मैच हारी, दूसरा हारी, तीसरा हारी, चौथा हारी है, पांचवा दोस्तों जीती और दोस्तों छठवां मैच हारी है। मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पर क्यूटा ग्लैडिएटर्स ना मेरे हिसाब से प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। लगभग इसको दोस्तों अभी हर मैच जीतना पड़ेगा अगर इनको थोड़ा बहुत टूर्नामेंट में बने रहना है। तो उस्मान खान दोस्तों ओपन करते हैं, राइटी बैट्समैन है, फैफ डुप्लेसिस के साथ आएंगे, फिर आएंगे दोस्तों जैक विदरलैंड, वन डाउन बैटिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ओवरसीज प्लेयर हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, सरफराज अहमद आएंगे कैप्टनसी करें, विकेट कीपर बैट्समैन राइटी बैट्समैन, आजम खान राइटी हैं, एंडर रसल आएंगे राइटी बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट है, पिछले मैच में दोस्तों इनको हेलमेट पे बॉल लगी थी, देखते हैं इस मैच के अंदर दोस्तों अवेलेबल रह पाते हैं या नहीं। फिर आएंगे जैक विल्डमथ, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, नशीम शाह राइट आर्म फास्ट है, फिर आएंगे यहाँ से मोहम्मद हसनैन या राइट आर्म फास्ट है, जाहिद मोद आपको खेलते हुए दिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, कुरम शहजाद को फिर से एक चांस मिले, मैं चाहता दोस्तों यहाँ पे नशीम शाह के बदले ना उस्मान खान शिनवर को खिलाया जाता, वो दोस्तों बहुत टैलेंटेड बंदा है। चलते हैं यहाँ पे पेशावर ज़ालमी की तरफ, तो पहले मैच हारी, दूसरा जीती, तीसरा जीती और फिर दोस्तों यहाँ पे चौथा भी जीती, फिर पांचवा हारी, छठवा हारी।
कामरान अकमल, ओपन करते हैं हैदर अली के साथ, फिर आएंगे दोस्तों शोएब मलिक वन डाउन, फिर आएंगे दोस्तों डेविड मिलर टू डाउन, फिर आएंगे दोस्तों रोवन पॉवेल, शेरफन रदरफोर्ड, फेबन एलन, फिर आएंगे दोस्तों वहाब रियाज कैप्टनसी कर रहे हैं, उमाद असीफ आएंगे, फिर आएंगे यहाँ से मोहम्मद इमरान इमर्जिंग प्लेयर है, मोहम्मद इरफान आपको खेलते हुए दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस की तरफ। तो आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर प्रैक्टिस मैचेस के सेट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों यहाँ पे जैक विदलन ने 20 करा था, 18 करा था, दो बार बैटिंग करी थी इसलिए मैंने प्लस का साइन मारा हुआ है। उस्मान खान हो गए, फैफ डू प्लेसिस दोस्तों प्रैक्टिस मैचेस में स्ट्रगल करे थे थोड़ा सा, सरफराज अहमद हो गए, आजम खान एंड रसल, ये आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग वीडियो में आपको सारे स्टैट्स एक्सप्लेन कर दिए थे, पेशावर जालमी का प्रैक्टिस मैच स्टैट्स हैं, इसके अंदर शोएब मलिक दोस्तों अच्छे फॉर्म में थे, वही दोस्तों उसने पहले मैच के अंदर आके 70 प्लस की नॉक खेली थी, डेविड मिलर अच्छे फॉर्म में थे, उमाद असीफ दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म थे प्रैक्टिस मैचेस के अंदर, वही दोस्तों उन्होंने आके करा पहले मैच के अंदर जो इनका कल हुआ था उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती तब क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स आपको ध्यान देना है यहाँ पर। जब दोस्तों क्यूटा ग्लेडिएटर्स के प्लेयर खेलते हैं ना अगेंस्ट दिस टीम, तो क्या हुआ देखो यहाँ पर, जैक वेदले ने दोस्तों टीम के अगेंस्ट में आज तक कभी नहीं खेला, पिछले मैच में दोस्तों बहुत अच्छे टच के अंदर थे, स्टार्टिंग की 5-6 बॉल तो उनको समझने भी नहीं आ रही थी, क्योंकि दोस्तों जो पिच थी ना वो मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व करा है स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट है ओपनर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ना विकेट थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, बॉल थोड़ी सी दोस्तों बैट के ऊपर अच्छे से चढ़ के आती है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मतलब ओपनर्स थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं हमेशा यहाँ पर। जैक वेदले ने यहाँ पे देखो BBL के अंदर मतलब बिग बैश लीग के अंदर 15 मैचेस के अंदर 433 रन करके आ रहे थे, इन फॉर्म है, वाइल्ड बैट फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, 30 के एवरेज, वाइल्ड बैटिंग सेकंड 25 के एवरेज है। उस्मान खान आएंगे, इस टीम के अगेंस्ट में दोस्तों आज तक कभी नहीं खेला है, और इसका दोस्तों अभी तक ना दो मैचेस के अंदर 81 और जो कल के मैच में इसके 11 रन बने थे ना 12-13 रन, इतना इसका स्कोर रहा अभी तक T20 करियर के अंदर। आएंगे यहाँ से फैफ डू प्लेसिस, इसका एक मैच के अंदर 37 है, वाइल्ड बैट फर्स्ट इस टीम के अगेंस्ट में, पेशावर जालमी के अगेंस्ट में, IPL में दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लास्ट मैच के अंदर एक बॉल एक्स्ट्रा बाउंस लेती है, दूसरी बॉल दोस्तों लो बाउंस लेती है, उसके चक्कर में दोस्तों आउट हो गए थे। सरफराज अहमद आएंगे, 17 मैचेस के अंदर 27 के एवरेज है, 347 रन साइज, 31 है 30 प्लस, 5 बार रख रहा है, बैट फर्स्ट में 8 मैचेस में 186 रन है, 23 के एवरेज है, बैट सेकंड के अंदर 6 मैचेस में 32 के एवरेज, 161 रन है। फिर आएंगे यहाँ से आजम खान, 3 मैचेस के अंदर 52 रन है, बैट फर्स्ट में 47.5, बैट सेकंड के अंदर 0 है। हाल ही के अंदर दोस्तों ये इंग्लैंड के टूर के लिए सिलेक्ट हुआ है, पाकिस्तान की टीम के अंदर इसको पहला कॉल अप मिला है, तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से अपॉर्चुनिटी को भुना पाता है, अभी इसको दोस्तों थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा। एंड रसल आएंगे यहाँ से, 4 मैचेस के अंदर 25 रन है, वेल बैट फर्स्ट 12-11, बैट सेकंड के अंदर 2-0 नॉट आउट, और 7 विकेट है दोस्तों 4 मैचेस के अंदर। जैक विल्डमथ 2021 के अंदर 12 मैचेस में 13 विकेट है, 75 रन से रिसेंट फॉर्म दोस्तों, एक एवरेज परफॉर्मेंस, इतना खास भी नहीं है, इतना दोस्तों खराब भी नहीं है। मोहम्मद नवाज़ 17 मैचेस में दोस्तों 20 विकेट है, विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 11 की एवरेज विद द बैट है, 110 रन साइज़, 35 है। अब देखो बैट फर्स्ट में इसके बॉल फर्स्ट में ना 9 मैचेस के अंदर 10 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर दूसरी इनिंग्स के अंदर दोस्तों उसके 8 मैचेस में 10 विकेट है, और 4 मैचेस के अंदर विकेट लेस गया है। उस्मान खान शनिवार के 11 मैच, आई थिंक 7 मैचेस में 11 विकेट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, और पहली पारी के अंदर देखो 5 मैचेस में 7 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 2 मैचेस में 4 विकेट, एक मैच के अंदर विकेट लेस गया है। आएंगे मोहम्मद हसनैन, 6 मैचेस में 11 विकेट है, बॉल फर्स्ट में दोस्तों 3 मैचेस में 8 विकेट है, बॉल सेकंड में इनका हमेशा एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, 3 में 3 विकेट है, और एक मैच के अंदर विकेट लेस गया है। जाहिद महमूद एक मैच के अंदर 1 विकेट है, नशीम शाह का एक मैच में 0 विकेट है, इसी तरह दोस्तों आप कुरम शहजाद अनवर अली का देख सकते हो, 8 मैचेस में 3 विकेट है, स्वयं आयुब ने 21 करा था, इस टीम के अगेंस्ट में रन आउट हुए थे। स्टार्टिंग में डालेंगे यहाँ से मोहम्मद हसनैन, और यहाँ से जैक विल्डमथ, उस्मान खान शनिवारी खेलते हैं वो, या फिर कुरम शहजाद, डेथ ओवर में दोस्तों आएंगे यहाँ से मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान शनिवारी, या तो कुरम शहजाद, या फिर दोस्तों से जैक विल्डमथ, तो रसल डाल सकते हैं। पेशावर जालमी की बात करते हैं तो कामरान अकमल दोस्तों यहाँ पर जब खेलते हैं क्यूटा ग्लेडिएटर्स के अगेंस्ट में, तो 17 मैचेस के अंदर 400 रन है, हाईस्ट 101 है, 30 प्लस, 4 बार रख रहा है, और इसकी एवरेज 25 है। बैट फर्स्ट में देखो 9 मैचेस के अंदर 211 रन है, और 23 के एवरेज, बैट सेकंड के अंदर 8 मैचेस में 189 रन है, 24 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है दोस्तों इनका। हैदर अली की बात करते हैं, 3 मैचेस के अंदर 114 रन है, और फर्स्ट इनिंग्स में 39, सेकंड में 50-25 दोस्तों, मतलब जब भी खेला है ना प्लेयर क्यूटा के अगेंस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। शोएब मलिक आएंगे यहाँ से, बहुत ही टैलेंटेड बंदा दोस्तों, सब जानते हैं कितनी रेपुटेशन लेके आते हैं ये, 11 मैचेस के अंदर 38 की एवरेज है, 340 रन है, 65 है, 30 प्लस, 6 बार करा है, बैट फर्स्ट में देखो 65 नॉट आउट, 54 है, 53 है, 45 है, 37, 21, 59, बैट सेकंड के अंदर 34 और 7 करा है, तो वन ऑफ द
फाइनेस्ट प्लेयर अपन कह सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कोई है तो एक शोएब मलिक है, फिर आएंगे यहाँ से डेविड मिलर, जिस टीम के गेंस में आज तक कभी नहीं खेला है, रिसेंट फॉर्म दोस्तों बहुत अच्छा है, एक तो प्रैक्टिस मैचेस में इसने 25-45 करा था और 2021 के अंदर इनका टाइम चल ही रहा है, 15 मैचेस में 400 रन से लगभग 54 की एवरेज है। रवन पवेल दोस्तों इतने फॉर्म में नहीं है, 2021 के अंदर इसने एक मैच में 7 रन करा था और T20 के अंदर भी दोस्तों 80 मैचेस में सिर्फ 1200 रन है। फिर आएंगे यहाँ से शर्फन रदरफोर्ड, इसने दोस्तों इस टीम के अगेंस्ट में एक मैच के अंदर 36 नॉट आउट की नॉक खेली थी वाइल्ड चेसिंग और अपनी टीम को जिताया था। फैबियन एलन दोस्तों आज तक अभी इस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेले लेकिन बहुत अच्छे स्पिनर है, विकेट्स निकालने के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, चाहे दोस्तों महंगे जाएं लेकिन विकेट्स निकाल के देंगे। वहाब रियाज 16 मैचेस के अंदर 31 विकेट, उमदा परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पे विद द बैट, 80 रन है, 18 विकेट है 8 मैचेस के अंदर जब ये पहले बॉलिंग करते हैं और दूसरी पारी के अंदर 8 मैचेस में 13 विकेट है और एक मैच के अंदर विकेटलेस गया है। मोहम्मद आसिफ 6 मैचेस में 7 विकेट है, 3 मैचेस के अंदर विकेटलेस, पहली पारी में एक मैच में 2 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 5 में 5 विकेट है, प्लस ही कैन बैट, ये दोस्तों बैटिंग भी कर सकते हैं। आएंगे यहाँ से मोहम्मद इरफान, 11 मैचेस में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट में 3, बॉल सेकंड के अंदर 2 और 7 मैचेस के अंदर विकेटलेस है। मोहम्मद इमरान ग्रैंड के दोस्तों पंत हो सकते हैं, एक मैच के अंदर 1 विकेट है इसका हेड टू हेड मैचेस के अंदर। स्टार्टिंग ओवर वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, उमाद आसिफ, डेथ ओवर में दोस्तों वहाब रियाज, उमाद आसिफ और मोहम्मद इमरान आपको डालते हुए दिखेंगे। जब इस स्वैनी के ऊपर मैचेस में तब क्या हुआ है आपको ध्यान देना है, इस स्वैनी के ऊपर ना क्यूटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से फैब टू प्लस में 6 मैचेस के अंदर 162 रन करें, 32 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 24-10-5 दोस्तों लास्ट मैच के अंदर करा था, बैट सेकंड 58 नॉट आउट 48-17। यूएई के अंदर दोस्तों बहुत अच्छा खेलते हैं हमेशा, 20 मैचेस में 600 रन है, वो जो पिछले मैच में दोस्तों पता नहीं बॉल कैसे एक्स्ट्रा बाउंस ले रही थी फैब डुप्लेसिस के साथ, अजीब ही कुछ हुआ था। उस्मान खान 14 करा है बैट फर्स्ट, जैक विदलन दोस्तों 43 बैट फर्स्ट है, सरफराज अहमद का 8 मैचेस में 65 रन है इस वैनी के ऊपर। यूएई के अंदर भी दोस्तों एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, अजम खान का दोस्तों इस वैनी के ऊपर 2 मैचेस में 12 है 26 है दो पारियों में। डॉक्टर रसल का दोस्तों यहाँ पर 7 मैचेस में 3 विकेट है 52 रन है। मोहम्मद नवाज का यहाँ पे 4 मैचेस में 3 विकेट है 19 रन विद द बैट है। जैक विल्डमन आएंगे यहाँ से तो इनका 9 रन है स्वैनी के ऊपर और 0 विकेट है। उस्मान खान शिनवारी का दोस्तों यहाँ पे 3 मैचेस के अंदर 6 विकेट है। कुरम शहजाद का 0, हसनैन बाबा का दोस्तों यहाँ पे 4 मैचेस में 3 विकेट है, जाहिद का 0 है, नशीम शाह का 0 है। पेशावर जालमी की बात करते हैं तो कामरान अकमल ने दोस्तों यहाँ पे 72 करा है, 3 करा है और 1 करा था। फिर दोस्तों यहाँ पे हैदर अली आएंगे, एक मैच के अंदर यहाँ पे 3 करा था वाइल बैटिंग सेकंड। शोएब मलिक ने दोस्तों यहाँ पे 8 मैचेस के अंदर 203 रन करे हैं, 51 की यहाँ पर एवरेज है और बैट फर्स्ट में 26-8 है दोस्तों। बैट सेकंड देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस है यार, जैसा अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था 73 तो लास्ट मैच में है, उससे पहले देखो 43 नॉट आउट है, 42 नॉट आउट है, 9 रन है, 2 नॉट आउट है, तो ये दोस्तों हमेशा वाइल्ड चेसिंग इस वेन्यू के ऊपर तो हमेशा नॉट आउट ही रहा ज़्यादातर। डेविड मिलर आएंगे, 5 मैचेस के अंदर 54 की एवरेज, 108 रन है, बैट फर्स्ट 14 है, बैट सेकंड 54 नॉट आउट है, 21-13-6 नॉट आउट है। रोवन पॉवल 0 है जिस वैनी के ऊपर, रदरफोर्ड का 15 है, फैबियन एलन का दोस्तों 2 विकेट है वाइल बॉल फर्स्ट, वहाब रियाज का 2 मैचेस में 1 विकेट है, उमाद आसिफ का 2 मैचेस में 2 विकेट है, मोहम्मद इमरान का 1 विकेट है, मोहम्मद इरफान का दोस्तों 1 मैच में 1 विकेट है। प्लेयर बैटल की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे फिर से यहाँ पे लग रही है किस प्लेयर का दोस्तों किसके सामने स्ट्रगल रहता है थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं तो आपको ध्यान देना है। जैक विदलर दोस्तों यट टू विज है लेकिन ये थोड़ा सा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने फंसते हैं जो मैंने ऑब्जर्व करा है, तो दोस्तों यहाँ पर सामने एक फैबियन एलन करके एक बॉलर दोस्तों को आउट कर सकते हैं। फैब डुप्लेसिस की बात करते हैं तो दोस्तों का यहाँ पे स्ट्रगल है वहाब रियाज के सामने, देख रहे हो आप 60 बॉल के अंदर 84 रन है और दोस्तों यहाँ पर 2 बार आउट करा है और दोस्तों दोनों बार ना इसको पहली पारी के अंदर आउट करा है वहाब रियाज ने फैब डुप्लेसिस को। सरफराज अहमद की बात करते हैं इनका स्ट्रगल दोस्तों वहाब रियाज के सामने कुछ ज़्यादा ही है, 52 बॉल के अंदर 4 बार आउट हुए हैं और 82 रन है, वहीं दोस्तों इमाद भट्ट के सामने ठीक ठाक है 21 बॉल के अंदर 24 रन 1 बार आउट हुए हैं। लेग स्पिन के सामने दोस्तों फंस सकते हैं सरफराज अहमद। आजम खान की बात करते हैं, इमाद भट्ट के सामने 1 बार आउट हुए हैं, वहाब रियाज के सामने 1 बार आउट हुए हैं, फैबियन एलन के साथ दोस्तों T10 के अंदर आउट हुए थे। फिर आएंगे यहाँ से एंडर रसल, इनका स्ट्रगल दोस्तों वहाब रियाज के सामने बहुत अच्छी बैटल देखने को मिलेगी आपको अगर रसल फिट होते हैं तो। 29 बॉल के अंदर 42 रन से 3 बार आउट करा है और 2 बार तो पहली पारी के अंदर आउट करा है। लेफ्ट आर्म पेसेस के सामने ना एंडर रसल 71 पारियों के अंदर 20 बार आउट हुए हैं और रन तो ठीक ठाक हमेशा सर बॉलर को मारते ही मारते हैं। कामरान अकमल की बात करते हैं यहाँ पर तो आपको ध्यान देना है इनका दोस्तों प्लेयर बैटल के अंदर ना बहुत ही नाम आ रहा है, रेड जोन के अंदर लग रहे हैं फिर से। मोहम्मद हसनैन के सामने 39 बॉल के अंदर 3 बार आउट हुए हैं, 59 रन है और 2 बार तो पहली पारी के अंदर आउट हुए हैं। रसल ने दोस्तों 21 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है, नवाज ने दोस्तों इनको 59 बॉल के अंदर 4 बार आउट करा है और 3 बार तो पहली पारी के अंदर आउट करा है।
रुशमान खान शिनवारी ने यहाँ पर दोस्तों कामरान अकमल को दोबारा आउट करा है। अनवर अली ने दोस्तों कामरान अकमल को 13 बॉल के अंदर एक बार आउट करा है। और यहाँ पे जो स्पिनर है ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, इनके सामने दोस्तों यहाँ पे स्ट्रगल रहता है किसका, कामरान अकमल का। 47 इनिंग्स के अंदर 19 बार आउट हो चुके हैं और लेफ्ट आर्म पिचर्स के सामने भी अटकता है। हैदर अली की बात करते हैं, इनका स्ट्रगल दोस्तों अश्विन के सामने और लेफ्ट आर्म पिचर्स के सामने हमेशा रहा है इनका, ज़्यादातर आपने ऑब्जर्व करा रहेगा। शोएब मलिक का स्ट्रगल यहाँ पे रसल के सामने, रुशमान खान शिनवारी हंसने, लेकिन दोस्तों किसी के सामने कोई ज़्यादा स्पेशल स्ट्रगल नहीं लग रहा है, वो तो अपना विकेट हमेशा बैट्समैन दोस्तों थ्रो कर जाता है गलत शॉट के लिए। डेविड मिलर की बात करें, इनका स्ट्रगल है रसल के सामने, 28 बॉल के अंदर दो बार आउट हो चुके हैं और दोनों बार दूसरी बारी के अंदर। अनवर अली ने दोस्तों एक बार आउट कराया। हिमाम उल हक की बात करते हैं तो इनका स्ट्रगल उस्मान खान शिनवारी के सामने, हसन के सामने थोड़ा सा है। जाहिद मोहम्मद ने दोस्तों इनको 4 बॉल के अंदर 3 रन देके एक बार आउट करा। कॉमन कैप्टन शोएब मलिक, फैफ डू प्लेसिस, बड़ी लीग्स में उसको बनाना है, बनाओ दोस्तों फैफ को। देखते हैं, पिछले मैच में दोस्तों फॉर्म में नहीं थे, पता नहीं क्यों अजीब इनकी बैटिंग स्टाइल लग रही थी लास्ट मैच में, एक नेगेटिव इंपैक्ट था। इस मैच में दोस्तों बड़े प्यार की निशानी क्या होती है, वो दोस्तों बाउंस बैक करता है दोस्तों, दिखाता है मैं क्या हूँ। शोएब मलिक, हैदर अली, शादाब खान, 4 दोस्तों आई थिंक यहाँ पे मेरे लिए सबसे मोस्ट वैल्यूड प्लेयर रहने वाले हैं। आई मीन दोस्तों यहाँ पर जो मैं शादाब खान बोल रहा था, आई थिंक मिस प्रिंट हो गया था यहाँ पे, वहाब रियाज हो दोस्तों, मैं रिपीट करता हूँ स्पेशल प्लेयर्स कौन रहेंगे, वहाब रियाज, फैफ डू प्लेसिस, शोएब मलिक और दोस्तों हैदर अली, ये 4 मेरे लिए सबसे मोस्ट वैल्यूड प्लेयर है। अगर दोस्तों वहाब रियाज बॉल फर्स्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैप्टन बना सकते हो। अब देखो थोड़ा सा अलग जाना है, रसल को ट्राई कर सकते हो, जैक वुडलैंड को ट्राई कर सकते हो, फैबियन एलन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक करके जाना, फिर दोस्तों आप डिसलाइक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बात करेंगे टीम्स की, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे कैप्टन है फैफ डू प्लेसिस, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे शोएब मलिक है, कामरान अकमल हो गए, यहाँ से हैदर अली हो गए, जैक वुडलैंड हो गए, यहाँ से नवाज एनल, फिर यहाँ से आपको रसल दिखेंगे, वहाँ रियाज, उमाद आसिफ, मोहम्मद हसनैन। अलग क्या करना है दोस्तों बड़ी लीग्स के अंदर, अलग जाना है, रिस्क लेने से दोस्तों नहीं डरना है। तो यहाँ पे वही कहूँगा कि दोस्तों लाइफ में कुछ बड़ा पाना है ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा हो। तो यहाँ पे कामरान अकमल फॉर्म में नहीं है दोस्तों, लेकिन ओपन करते हैं ना, थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि पावर प्ले के अंदर आके दोस्तों थोड़े से शॉट्स मारे, कवर ड्राइव मारे दोस्तों, फील्डर के ऊपर से थोड़ा सा रिस्क लेके शॉट्स मारे, तो उनको पॉइंट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू सरफराज अहमद। लेकिन दोस्तों सरफराज अहमद ना एक क्लासिकल बैट्समैन है, सब जानते हैं इनके बारे में। अजम खान आप ट्राई कर सकते हो जब सरफराज अहमद को ड्रॉप करोगे तो। शोएब मलिक इंपॉर्टेंट है, फैफ दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, हैदर अली दोस्तों इस टीम के अगेंस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, डेविड मिलर दोस्तों एक ऐसा खिलाड़ी है इसका दिन रात दोस्तों बहुत बुरा मारता है वरना कुछ नहीं करता, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बस इतना ही कहूँगा इसके बारे में। और यहाँ से जैक वुडलैंड दोस्तों एक क्वालिटी प्लेयर है, जिस तरह से लास्ट मैच में उसने गेम को चलाया था। उस्मान खान आप ट्राई कर सकते हो, कवर ड्राइव अच्छा मारा था लास्ट मैच के अंदर। रसल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही हमेशा कहूँगा कि रसल की इंपॉर्टेंस बताऊँ कब रहती है, जब ये बॉलिंग करते हैं। अगर दोस्तों बॉलिंग नहीं करते हैं ना, तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि विद द बैट ना ये 10 में से एक मैच में ही परफॉर्मेंस देते हैं, और जब परफॉर्मेंस देते हैं ना दोस्तों पूरी दुनिया देखती है, कर देंगे 17 बॉल के अंदर 60 या फिर 10 बॉल के अंदर 30 कर जाएंगे, तब दोस्तों ये पॉइंट्स देते हैं, वरना दोस्तों कभी कभी मैचेस के अंदर पॉइंट्स ही नहीं देते हैं, ड्रीम टीम में तक नहीं होते हैं। नवाज इस टीम के अगेंस्ट में दोस्तों 17 मैचेस में 20 वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फैबियन एलन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैक वुडलैंड खेलते हैं, बड़ी लीग्स में ट्राई करना, अगर क्यूटा पहले बॉलिंग करती है तभी ट्राई करना। आएंगे यहाँ से वहाब रियाज इंपॉर्टेंट, हसनैन दोस्तों एक बहुत ही वॉलीबॉल पिक, अगर क्यूटा पहले बॉलिंग करती है तो जाहिद मोहम्मद आप ट्राई कर सकते हो, पिछले मैच में दोस्तों कॉलिन मंडरो ने बहुत बुरा मारा था, उमाद आसिफ एक बहुत अच्छी पिक फिर से आपके लिए रहेंगे, मोहम्मद इमरान को ट्राई करना बड़ी लीग्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। तो वही कहूँगा दोस्तों घर पर रहें, सुरक्षित रहें, छोटी सी दोस्तों जिंदगी है, हमेशा लाइफ में खुश रहें दोस्तों, अप्स डाउन आते रहते हैं, और दोस्तों विनर कौन होता है आपको पता है लाइफ के अंदर, दोस्तों असली चैंपियन होता है जो लाइफ को हिटबैक करता है, दिखाता है दोस्तों मैं कौन हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दोस्तों वही करना है लाइफ के अंदर, नेवर एवर डेयर टू गिव अप, और लाइफ को दोस्तों ग्रांटेड ना ले, एक जिंदगी दोस्तों आपको एक ही बार मिलती है, तो हमेशा अपना जो बेस्ट ना दोस्तों टैलेंट उसको हमेशा दिखाएं जनता के सामने कहीं भी, और दोस्तों लाइफ में खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों, लाइफ में किसी को ब्लेम ना करें किसी के लिए। मिलते अगली दफ़ा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।